क्या आपने भी किसी को चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया है? क्या आपके ऊपर भी चेक बाउंस का केस चल रहा है, या फिर क्या आप भी चेक बाउंस के केस में एक अपराधी हैं और फंसे हुए हैं? तो ऐसे में चेक बाउंस के केस में जो अपराधी होता है, जो अक्यूज्ड होता है, उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बचने के बहुत ही कम से कम चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के साथ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप चेक बाउंस के केस में बरी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली अक्यूज्ड के लिए है जिससे वो अपने चेक बाउंस के केस में बच सकते हैं, लेकिन ये वीडियो कंप्लेनेंट के भी बहुत काम आ सकती है क्योंकि कंप्लेनेंट भी इससे अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सावधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस केस का नाम है राजा राम वर्सेस मरुथाचलम और ये जो जजमेंट है ये आई थी 18/1/2023 को। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट था उसकी कुछ एग्रीकल्चरल इनकम थी और उसने अक्यूज्ड को 7 लाख रुपये टोटल दिया था, 3.5 लाख एक बार और 3.5 लाख एक बार, और टोटल उसने एक्यूज्ड को 7 लाख रुपए दिए थे, जिसके एवज में जो एक्यूज्ड है उसने कंप्लेनेंट को 3.5 लाख के 2 चेक दिए थे। और जब कंप्लेनेंट ने वो चेक लगाए तो वो बाउंस हो गए और वो जो चेक हैं वो बाउंस हुए अकाउंट क्लोज की वजह से। उसके बाद कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट एक लीगल नोटिस सेंड किया एक्यूज्ड को, और लीगल नोटिस के 15 दिन का वेट करने के बाद भी एक्यूज्ड ने उनको पैसे वापस नहीं करे, जिसके बाद कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट में इस केस के फैक्ट्स को अच्छे से देखा गया, जिसमें कंप्लेनेंट ने कहा कि इसने मुझे ये 2 चेक दिए थे जो कि बाउंस हो गए हैं, और इस जो चेक है इस पे जो हैंडराइटिंग है वो भी एक्यूज्ड की है, तो जो ये एक्यूज्ड है वो लायबल है और 139 की प्रेजम्पशन को मानते हुए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक्यूज्ड को सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं जब एक्यूज ने कंप्लेनेंट की एविडेंस कराई तो एविडेंस में कहीं पर भी जो कंप्लेनेंट है वो साबित ये नहीं कर पाया कि उसने ये अमाउंट दिया था। तो जब कंप्लेनेंट से उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगाई गई तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी साबित नहीं हो पाई, और ये साबित नहीं हो पाया कि ये जो कंप्लेनेंट है वो 7 लाख रुपये दे सकता था, उसकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि वो इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट दे सकता है किसी को। फर्दर जब कंप्लेनेंट से उसकी ITR मंगाई गई तो ITR में भी उसने ये 7 लाख का अमाउंट शो नहीं किया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको एक्विट कर दिया और ये कहा कि क्योंकि कंप्लेनेंट प्रूफ नहीं कर पाया कि उसने ये अमाउंट एक्यूज्ड को दिया था और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी प्रूव नहीं हो पाई, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन से कंप्लेनेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता और वो जाते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में भी जब पूरे केस को देखा गया तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो कंप्लेनेंट है उसको ये प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है कि उसने ये पैसे दिए थे, क्योंकि सेक्शन 139 में जो प्रिजम्पशन दी गई है उसके तहत अगर किसी पर्सन ने किसी को चेक दिया है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि उसने कोई ना कोई लीगल लाइबिलिटी उतारने के लिए ही उस चेक को दिया था। और यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसने अपनी हैंडराइटिंग को, अपने सिग्नेचर को एडमिट भी किया है, और इसका मतलब है कि अक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को वो चेक दिया था और वो किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए ही दिया था। तो कंप्लेनेंट ने पैसा दिया या नहीं दिया ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को देखते हुए चेक बाउंस का केस बनता है, और हाईकोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के इस डिसीजन से एक्यूज सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अक्यूज्ड है उनके ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनका ये कहना होता है कि इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थे, वो कहीं पर भी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को शो नहीं कर पाए, उनके बैंक स्टेटमेंट से उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी शो नहीं होती है कि वो 7 लाख जैसा बड़ा अमाउंट किसी को दे सकते हैं। इसके अलावा कंप्लेनेंट के पास कोई भी एक सिंगल ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूव होता है कि उसने मुझे ये पैसे दिए थे। इसके साथ साथ ITR में भी उसने ये 7 लाख का अमाउंट शो नहीं किया है,
है और साथ में ही हमने ITR ऑफिशियल का एविडेंस भी करवाया था, जिन्होंने भी ये कहा कि इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और इन्होंने ITR में 7 लाख के अमाउंट को नहीं दिखाया है। वहीं कंप्लेनेंट के आर्ग्यूमेंट थे कि इसने मुझे चेक दिया है और अपने सिग्नेचर भी एडमिट किए हैं, तो सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को मानते हुए इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने मुझे ये चेक दिया है तो इसने कोई ना कोई लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए ही मुझे वो चेक दिया था। अगर मैंने इसको पेमेंट नहीं दी थी तो इसने मुझे ये चेक क्यों दिया? इसने मुझे ये चेक दिया है तो उससे यही साबित होता है कि इसने कोई ना कोई मेरा पैसा देना था, तभी इसने मुझे ये चेक दिए हैं, तो इसलिए अक्यूज्ड को सजा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 139 की जो प्रिजम्पशन है उसको इस केस में रिब्यूट किया गया है और जो कंप्लेनेंट है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना ह्यूज अमाउंट दे सके और इसके अलावा वो कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाया जिसमें ये साबित हो कि उसने ये अमाउंट एक्यूज्ड को दिया था। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर देती है और जो एक्यूज्ड है उसको एक्विट कर देती है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स मिलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है जो कि आपके केस में बहुत काम आ सकती है। तो अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने वकील को कहकर ये सारे एविडेंसेस ज़रूर कराने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लेनेंट से उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवानी चाहिए जिसमें ये दिखे कि कंप्लेनेंट ने आपको पैसा दिया था। कोई भी ऐसा प्रूफ कंप्लेनेंट का आपको मंगवाना चाहिए जिससे वो साबित करे कि उसने आपको पैसा दिया था। अगर उसके पास ऐसा सबूत नहीं है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं चेक बाउंस के केस में जीतने के। तो दूसरा, आपको ट्राई करना चाहिए कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को शो करने का कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इतना पैसा दे सके। इसके लिए आपको कंप्लेनेंट के बैंक स्टेटमेंट्स को मंगाना चाहिए जिससे उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का पता लग सके। और उसके बाद तीसरी सबसे मेन चीज़ है कि आपको कंप्लेनेंट की जो ITR है वो मंगवानी चाहिए कि उसने ये जो अमाउंट दिया है वो ITR में शो किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। और इसके साथ साथ आपको ITR ऑफिशियल का भी एविडेंस कराना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका चेक बाउंस का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अगर कंप्लेनेंट इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाता तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप चेक बाउंस के केस में बरी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।